वेलकम टू माय चैनल बेस्ट नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। इसमें भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं आपको वो बताने वाली हूँ। पहले मैंने पिछली वीडियो में आपको कम्युनिटी हेल्थ के जो मेन टॉपिक थे उनके बारे में बताया था, और आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। जो इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे मैं आपको सिर्फ वही निशान लगवाऊंगी। और आप चलिए हम आगे शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले जो टॉपिक आ रहा है वो देखिए आप, माइक्रोबायोलॉजी हिस्ट्री एंड स्कोप। ये इम्पोर्टेंट नहीं है और ना ही ये एग्ज़ाम में आता है, और ना ही ये कभी रिपीट हुआ है बार बार कि आता रहे एग्ज़ाम में, ऐसा कुछ नहीं है। जो इससे नेक्स्ट टॉपिक है मैं उसके बारे में बताती हूँ। माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। इसमें केयर ऑफ माइक्रोस्कोप, टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आती तो मैं आपको नोट्स भी सेंड कर सकती हूँ। अगर आप मुझे कमेंट करके बोलें तो मैं आपको जो नोट्स है वो भी मैं आपको उसकी वीडियो बना के दे दूँगी और आप उसमें से ले सकते हैं। तो मैं आपको बताने वाली हूँ इसमें जो है केयर ऑफ माइक्रोस्कोप, टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप, यानी कि कितने टाइप के माइक्रोस्कोप होते हैं और इसकी आप इसकी केयर कैसे कर सकते हैं। बुक में थोड़ा लेंथी दिया होता है, अगर आप नोट्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो नोट्स में थोड़ा इजी करके दिया हुआ है और वो बहुत ही अच्छे तरीके से डिफाइन किया हुआ है। और जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया भी और जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही बताऊंगी मैं आपको, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बताऊंगी। और आप ज़रा कंफ्यूज भी मत होइए कि कहीं शायद मैं कुछ ज़्यादा बता रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जो इम्पोर्टेंट होंगे सिर्फ वही बताऊंगी मैं। इसमें है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में है इसका साइज, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, और इसमें है फैक्टर फैक्टर इन्फ्लुएंसेस ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया ऑफ मॉर्फोलॉजी। और ये तीन टॉपिक हैं इनमें निशान लगाने वाले। लेबोरेटरी टेस्ट में है स्पाइसमैन, और एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कल्चर, कल्चर के अंदर हम जो निशान लगाने वाले हैं वो हैं कल्चर मेथड, क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ कल्चर मेथड और कल्चरिंग, ये इम्पोर्टेंट है। और जो कल्चरिंग टेक्निक है ये भी इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, स्टेनिंग, स्टेनिंग वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये दोनों के दोनों टॉपिक आपको करने हैं। नेक्स्ट हमारा है वायरस, वायरस कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता है, ना ही ये आता है कभी। हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ में हमारा पैरासाइट, जो इसमें नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्पोरोजोआ, ये भी इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन भी टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसे भी कर लीजिए। और इम्यूनिटी, इम्यूनिटी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट। और नेक्स्ट हमारा आता है स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन जो क्वेश्चन है हमारा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इसे अच्छे से ध्यान से पढ़ लें तो आपके एग्ज़ाम में हर साल रिपीट होता है और हर साल ही आता है। इनमें से जो जो मैंने आपको निशान लगवाए हैं इनमें से पाँच पाँच नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जो कि हमारी माइक्रोबायोलॉजी 30 नंबर की है, और इनमें से क्वेश्चन 100% आएंगे क्योंकि ये 2007 से लेकर 2020 तक रिपीट हुए हैं स्टरलाइजेशन में से। आप इन क्वेश्चनों को जरूर कर लें क्योंकि ये क्वेश्चन आते ही हैं। अगर आपको मेरे से कोई कोई बात पूछनी है इनके चीज़ों के बारे में, जी एनएम फर्स्ट ईयर के बारे में या सेकंड ईयर के बाद, तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ क्योंकि मेरे पास नोट्स भी हैं। अगर आपको इनमें समझ नहीं आता तो शॉर्ट में मेरे पास नोट्स भी हैं जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से डिफाइन किया हुआ है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मुझे आप बता देना ताकि मैं आपको वो भी नोट्स के बना के दे दूँ वीडियो, और आप उसे डाउनलोड भी कर सकें। अगर आपको मेरी अच्छी लगी वीडियो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता देती हूँ कि इसमें जो मेरे पास बुक है वो आप देख सकते हैं, नीरज शेट्टी की है, माइक्रोबायोलॉजी नीरज शेट्टी, ये भी अच्छी बुक है। अगर आपको ये भी नहीं लेनी तो अंतरिक्ष के नाम से एक बुक आती है जीएनएम फर्स्ट ईयर की, आप वो भी ले सकते हैं।
और इसमें बहुत ही अच्छा दिया हुआ है इसमें, और अंतरिक्ष में भी बहुत अच्छा दिया है। लेकिन जो अगर आपको उनमें नहीं आता समझ, तो प्लीज़ नोट्स के लिए आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए, मैं आपको नोट्स जरूर दूंगी। थैंक यू सो मच।